वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, बहुत टाइम बाद यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ रियाज पे एक छोटा सा पार्क है। पार्क तो मतलब हम लोग उसको कहते हैं जहाँ पे मतलब खेत कूद का सामान ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक स्पॉट है जहाँ पे मतलब लोग आके अपने बारबेक्यू वगैरह कुछ इस तरह मुख्तलिफ किस्म के काम वगैरह करवा के अपने जैसे आपको एक लुक दे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का जगह है और किस तरह का टूरिज्म लग सकता है, लेकिन अभी तो बहुत ग्रीनरी आ भी गई है। ये पहले ऐसे ग्रीनरी आते बहुत मुश्किल का, लेकिन ये अभी 2021 के गेंद में एक प्रोजेक्ट हुआ है रियाज का, ग्रीन प्रोजेक्ट, उसमें बहुत टावर्स वगैरह पौधे वगैरह और इस तरह के मतलब तरफ वगैरह सब कुछ लगा दिया जैसा कि मतलब हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस साइड पे जो सारे शेल्टरनुमा बने हुए हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं। इसमें हत्ता कि इलेक्ट्रिसिटी भी है, लाइट भी है। आप रात को देर तक अगर यहाँ पर रह सको तो वो भी आपको मतलब वो बेनिफिट भी आपको उसका ये मिलता है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह सब कुछ है या मतलब और भी कोई, तो इसमें हर एक शेल्टर में तकरीबन 3 प्लग है, मतलब बिजली का कोई मसला आपको नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स यहाँ पे मौजूद है। और बच्चों के लिए थोड़ी सी झूलिया वगैरह मतलब उसके खेल कूदने का सब कुछ ये भी मौजूद है। तो अभी तो टाइम कुछ अर्ली है, मतलब थोड़ा टाइम बाद यहाँ पे रश पर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम भी थोड़ा टाइम से थोड़ा पहले आ गए ताकि मतलब हमें जगह मिल जाए, क्योंकि आजकल यहाँ पे जगह मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्कूल ही होते हैं। और वैसा भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना भी ख़त्म हुआ, तो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन थे और जो ICPs वगैरह थे वो भी कम हो गया, तो इसी वजह से अभी बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। अच्छा, और मैंने ना मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, दर्द की हदों को भी पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तू मेरी थी मेरी है अगर खबर आ जाए, बेसब्र से दिल को बेवक्त सबर आ जाए। हाँ, रिया हुसैन अभी देखे दोस्तों टाल पर बैठा हुआ है झूला। हाँ, क्या बाकी था कवाया यहाँ पे, ये जो मैंने आपको बताया, नहीं देखो ये लाइट भी लगा हुआ है, छपरा भी हुआ है, देखो एक ट्रेडिशनल स्टाइल का मस्जिद बनाया हुआ है इस पार्क का, और साथ में ये वॉशरूम्स वगैरह वजू करने के लिए पूरा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है, बहुत खूब। अब ये गाड़ियाँ भी मतलब ये पार्किंग की जगह है, और ये इसमें जो है ना ये फुटबॉल वगैरह के लिए ग्राउंड्स भी बने हुए हैं, तकरीबन 3 ग्राउंड्स बनवाए हैं फुटबॉल वॉलीबॉल वगैरह के लिए। वॉलीबॉल तो इतना नहीं होता, ज़्यादातर फुटबॉल वगैरह होता है ना। और ये जो है ना कुला मस्जिद बनवाया हुआ है साथ में, ये
देखो मसल्ला इस पे लिखा हुआ है ना, तो अगर कोई मतलब बंदा आके यहाँ पे कर देता है, लेकिन मस्जिद वैसे ये है पूरा सिस्टम वगैरह इसमें मौजूद है, इसमें वो सब कुछ ज़बरदस्त एसी वगैरह सब कुछ पूरा, जैसे मतलब आम मस्जिद यहाँ पे होते हैं, लेकिन इसका सिर्फ स्टाइल जो है ना वो थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का बनवाया हुआ है। जैसे मतलब ये दिखाई दे लुक इस मस्जिद का ऐसा है जैसे ये मिट्टी का बना हुआ होता है। अभी ये देखिए मसल्ला है, इधर भी नमाज पढ़ सकते हैं, वो ग्राउंड भी बनवाया हुआ है मतलब उधर देखो वो बदले उसमें फुटबॉल भी खेल रहे, और साथ में ये पार्किंग भी है जैसे बहुत लोग उस मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, एक बंदा यहाँ आके यहाँ पे भी नमाज पढ़ रहा है। और ये जो टंकी नज़र आ रहा है ये पीने का पानी है, ये वाला ठंडा पानी है। लाइट और ये यहाँ का डिच डिच यहाँ का ये डिच ये इससे चलता है, इस पर पाँव रख के ऊपर नीचे करते रहो ये जाएगा बच्चों का खेल के लिए। और ये तो वो छोटे बच्चों के लिए जिसको मूविंग करते हो तो ये आगे चला जाता है। ये पत्थर देखो इसके लिए ये लेके आ जाते हैं किसी जगह पर, इसका सेटिंग करवा देते हैं जैसे मतलब यहाँ पे स्क्रब मार्बल टाइप का लगाया हुआ है। ये गाड़ियों की पार्किंग रोड और गार्बेज के लिए ये लगा हुआ है, ये जो नजर आ रहा है गार्बेज के लिए। ये पौधे शौधे सब कुछ सेटिंग हुआ है, ये भी गार्बेज का है और साथ में ये ग्राउंड भी है, तो ऐसा ही चलता है ना ये सब कुछ। देखो कितने हर जगह पे गार्बेज लगा हुआ है, गार्बेज लगा हुआ है। असल में सबसे अहम मसला यही है ना ये गार्बेज का। अभी मैंने एक अजीब चीज़ देखी है, तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये खजूर देखो, नाराज़ हो गया कि क्या हो गया, किसी ने आधा खा लिया है। सारा अंदर की तरफ देख लो, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, नहीं मरा है, खजूर जिंदा है। गार्बेज बच्चों के लिए, देखो बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ये सिस्टम होता है, जिधर भी बच्चे होते हैं तो इसमें ये सैंड डालते हैं ना, ये तो यहाँ पे हवा चूंकि ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ पे जितना भी सैंड डाला हुआ है दरमियान दरमियान से सारा जो है ना हवा ने उड़ा के लेके गया है। अभी ये कार पार्किंग है,
ये कार पार्किंग जो बनवाया है ना, इसमें सिर्फ ये एक दरख्त लगाया है। अभी आजकल जो बनवाते हैं ना, तो हर मतलब ये जैसे एक कार के लिए एक एक जगह है। स्टेप से देख रहे हो तो स्टेप के सामने एक पौधे के लिए जगह बनवा के उसमें एक पौधा भी लगा देता है नया, जितने भी बन रहे हैं। तो अभी इस तरह का सीन चल रहा है, इसमें भी करेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत जगहों में जो है ना उसने शुरुआत की है, अभी कर भी रहा है उसमें। और ये देखो, ये दूसरा ग्राउंड जो मैंने बताया उससे थोड़ा आगे पीछे भी है तीसरा ग्राउंड। और अच्छा, ये टेबल बनाया हुआ है, परमानेंटली टेबल टाइप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब बैठ के ये सामने से टेबल और बेंच वगैरह और गार्बेज के लिए ये ऐसे बहुत सारी रखी हुई है। अच्छा, ये यहाँ पे जो मतलब एक अच्छी चीज़ होती है ना, तो वो सबसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये चीज़ होती है। इसको आप इसको यहाँ से वापस इस तरह घुमा के हटा दिया जाता है। ये जानमाज होता है, मतलब इसमें एक कालीन लगा देता है, उसको आप एक साइड से खींच लेते हो तो फिर वो बाहर आके नमाज़ पढ़ के और वापस भी बंद कर सकते हो। और यहाँ पे ये सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लोग नमाज बहुत पढ़ते हैं, जो कि हम लोगों में ये मसला ज़्यादातर चलता है कि घूमने करने के लिए चले जाते हैं तो लोग नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पे लोग नमाज नहीं छोड़ते। और ये ग्राउंड है, और इसके लिए ये जो सेट में ये आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पे बैठ के निगान देखने के लिए ये जगह बनवाया हुआ है। देख लीजिए, हाँ ये इसका बेंच है परमानेंट। और ये पौधा है जो लगवा है, और ये इसमें पानी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दो दिन इसको पानी ना दो तो ये बिल्कुल मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बाकायदगी के साथ इसको सुबह और शाम पानी मिलता है। ट्रेडिशनल मस्जिद, मोहब्बत में